आपका नाम सबसे पहले नाम? मैं पंचायत चौकीदार संघ हिमाचल प्रदेश का प्रेसिडेंट जगदीश चंद जी, जिला मंडी तहसील सरकाघाट से हूँ। हमारी केवल पंचायत चौकीदारों के साथ एक ही मांग है, पॉलिसी जैसे और विभागों के चौकीदारों की बनाई गई वैसी पॉलिसी जो है पंचायत चौकीदार की भी बनाई जाए। और जो कि मतलब पिछले 2020 में हमारी जो फाइल थी कैबिनेट में लगाई गई थी 24 तारीख को, उसको आज 1 साल 3 महीने हो गए पर ना वो फाइल का कोई पता है, वो फाइल कहाँ है और कहाँ नहीं। आज मतलब इस महंगाई के जमाने को देख कर एक पंचायत चौकीदार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। 2007-08 में मनरेगा शुरू हुआ, उस मनरेगा के कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया गया और उस चौकीदार ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो 1971-72 से पंचायतों में कार्यरत है, जो उसके साथ सैकड़े लोग लगे हुए थे वो तो रेगुलर होकर के भी रिटायर हो गए। तो मैं ऐसा सरकार से जानना चाहता हूँ, अगर सरकार के पास धन की व्यवस्था नहीं है तो इस चौकीदार पोस्ट को खत्म किया जाए ताकि वो चौकीदार मनरेगा में लगाकर दिहाड़ी लगाकर अपने बच्चों का पालन पोषण तो कर सके। इस महंगाई को देख करके अब तो मेरे पंचायत चौकीदार आत्मदाह करने के लिए तैयार है। इस महंगाई को देख करके 9 बजे जाना और ठीक शाम को 5 बजे आना, इतना अन्याय हो रहा है। ना तो वो कहीं दिहाड़ी लगा सकते हैं और उस अगर 5,000 रुपए में वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। 1998 में पंचायत चौकीदारों की ड्यूटी समन के लिए थानों में लगाई गई, कोर्टों के जो भी समन हो गए उनको पंचायत चौकीदार तामिल करेगा। वो 25 रुपए 2098 में मिलते थे, आज तक वो 25 रुपए के 25 रुपए भी नहीं मिल रहा है कहीं। अब आप किससे मिलने जा रहे हैं? आज सीएम से भी मिलेंगे और अपने पंचायत मंत्री से मिलेंगे। पंचायत मंत्री ने 2 बार हमें कॉन्फ्रेंस की है पिछले साल 2020 में कि इस सत्र में पंचायत चौकीदारों का पॉलिसी जो हो जारी कर दी जाए। कोई आश्वासन दिया था आपको? हम 2 बार, उसके बाद हम कम से कम आज 10-15 बार मंत्री और सीएम से मिल चुके, आश्वासन के बिना हमें कुछ नहीं मिला। अगर ऐसा ही होता रहा तो पंचायत चौकीदार जो है वो आत्मदाह करने के लिए तैयार होगा। जय हिंद, उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। जय हिंद, जय भारत।